धर्म की तैयारी कैसे होगा? अब मम्मी जी एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। हाँ मम्मी जी, मतलब अब हमें ये नहीं पता कि कैसे होगा क्या होगा, मगर एक बार कोशिश की जा सकती है। और भाभी हम अकेले नहीं। ठीक है देवर जी, अगर आप भी कह रहे हैं तो चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, इंद्राणी देवी ने एक ही बारी में घुमा के छक्का मारा है। क्या लगता है मम्मी जी अकेले जागरण का सारा इंतजाम कर पाएंगे? अरे भाई एक प्रॉब्लम है। देखो जागरण के लिए हमें एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत है ताकि हम वहां एक पंडाल तो लगा सके। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनके बैठने का बंदोबस्त करना होगा और वो अब हम कर नहीं सकते क्योंकि वक्त नहीं है। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बड़े घर का इतना बड़ा हॉल है किस दिन काम आएगा? पर सोना बहू ये सब सामान का क्या करेंगे? तो शुरू करें? नहीं कभी नहीं मम्मी जी, इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे, इम्पॉसिबल। तो ऐसे तो हमारा प्लान ही फेल हो जाएगा। साले साहब हमको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं अगर ऐसी हालत में मम्मी जी ने जागरण किया तो मम्मी जी तो गई काम से, और अगर मना किया तो हो जाएगी पूरे मोहल्ले में बदनामी। तो मामला क्लियर है, मम्मी जी ना घर की रही और ना घाट की। यहाँ बैठे बैठे खूब बड़े बड़े सपने देखो तुम लोग, और वहाँ वो सब शुरू भी हो गए। अब चलो अपनी आंखों से ही देख लो। चलो चलो मम्मी जी क्यों जा रही थी पूरे मोहल्ले को मना कर, लेकिन ये सोना चांदी मैडम ने कह दिया कि नहीं मम्मी जी हम कर लेंगे। तो मम्मी जी ने भी कहा कि करो। अरे इनको क्या लगता है हैं? ये सब हॉल खाली कर देंगे तो हो जाएगा जागरण? अरे पूरी तैयारी करते करते माथा खराब हो जाएगा इनका। हाँ अब इतना वक्त ही कहाँ बचा है कि बाकी की तैयारियां हो सके, बहुत मुश्किल है। और अगर ये लोग तैयारी नहीं कर पाए तो फिर हमसे मदद मांगने आएंगे, तो घर की इज्जत को बचाने के लिए हम जो कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन दीदी हमें ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल गलत तरीका है, आखिर ये हमारे घर के सम्मान की बात है ना। घर? किसका घर? ये अब हमारा घर नहीं है तो फिर क्यों हम इसके मान सम्मान के बारे में सोचें? और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने मन से ये सब फालतू की बातें निकाल दो, और खबरदार अगर कोई भी गलत कदम उठाया तो। हम तो बस इतना कहेंगे। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई भी तैयारियां हो पाएंगी, अभी चलो यहाँ से चलते। ये सामान की लिस्ट है पकड़ी। अच्छा छोटे वाले बल्ब लेकर आइएगा, जिसे रात में लगाएंगे तो पूरे घर में रोशनी हो जाएगी, और बड़ी चटाइयां लेकर आइएगा, घर में जो चटाई है उसमें मुश्किल से दो चार लोग आराम से बैठ पाते हैं, और किराए से माइक,
और कोई भी सामान मत भूलिएगा, ये जागरण के लिए बहुत जरूरी है, समझे आप? समझ गए, सब कुछ सारा सामान ले आएंगे। हाँ, एक मिनट, और माता जी की मूर्ति लेकर आइए। हाँ जरूर बेटा, जरूर जरूर। देखिए हम जो बात कह रहे हो ये है कि इतने सारे लोगों का आप एक साथ कैसे प्रसाद बना लेंगे हमें बताइए, घर के बाकी और भी काम है तो उसमें हम आपका हाथ बटा देते हैं, उसके बाद फिर हम बाजार चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। देखिए ये जागरण के लिए बहुत जरूरी है, आप ये करिए ना। हमारी बिटिया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। चल बेटा, जय माता दी। जल्दी कोई भी सामान मत भूलिएगा। हाँ बिल्कुल, और जल्दी जाकर जल्दी ले आएंगे। अब आप भी बोल दीजिए जय माता दी। मम्मी जी, आप परेशान लग रही हैं। सोना बहू, हम सबसे गलती हो गई है। गलती? कौन सी गलती? अरे ये चौखट है ना, ये दक्षिण दिशा में रख दी है, और दक्षिण दिशा तो यम की होती है, और भगवान की मूर्ति हमेशा उत्तर पूरब में रखी जाती है। मम्मी जी, इतनी सी बात को लेकर आप परेशान हैं? हम है ना, हम अभी इसे उत्तर पूरब दिशा में खिसका देते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर तो सुपर वुमन बनने का भूत सवार रहता है, अकेले कैसे उठाओगी चौखट? रुको, हम भी हाथ लगाते हैं। तुम्हें मम्मी जी, ये कहाँ अनर्थ करने जा रही थी आप? जी, काम कितनी आसानी से हो गया, और आपको पता है इतनी आसानी से कैसे हुआ? नहीं ना, मैं बताती, क्योंकि हम सब ने मिलकर ये काम किया है। Yes, मम्मी जी, this is called unity of the family is very strong. सोना अलोन थोड़ी पुल कर सकती थी इतनी बड़ी चौखट। सोना अकेली नहीं थी, हम भी उसके साथ में। पर हमें तो नहीं लगता किसी ने तुम लोगों को बुलाया मदद करने के लिए। हमें वाह मम्मी जी, बचपन में पहले आप ही सिखाती हो, और फिर अगर वही करे तो डांट भी हमें ही लगती है। हमें मम्मी जी, आप ही ने तो हमें सिखाया था कि जागरण की तैयारी विधवा औरतें नहीं करती। किस बात का बुरा मान रही हैं? मम्मी जी, आप ही के तौर तरीके तो हम बतिया रहे हैं। और क्या मम्मी जी, अब आप ऐसा कीजिए, अपना गुस्सा भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए, और हमें भी तैयारियों में शामिल कर लीजिए, आखिर हम भी तो घर के सदस्य हैं। आप अपनी इज्जत छोड़ दीजिए मम्मी जी, और हम सबको माफ कर दीजिए। देखो, हम मम्मी जी की तरफ से आप सबकी मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पर हमें नहीं लगता मम्मी जी आप में से किसी को भी हाथ बटाने का मौका देंगी जब तक आप साबित न कर दें कि आपके मन में कोई छल कपट नहीं। अरे वाह सोना, यू सेइंग दिस? Don't forget कि तुम्हें हमारी हेल्प की नीड है, हमें नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए नीलम, कम जी, सूजी का डब्बा खाली है
और हमने हर जगह चेक कर लिया, सूजी कहीं नहीं है। सोना बहू, वैसे भी इतनी सी सूजी से कहाँ बनता जागरण का प्रसाद। तो मम्मी जी, हम नुक्कड़ वाली दुकान से सूजी लेकर आ जाते हैं। सोना बहू, वैसे ही हमारे दिमाग में इतनी उधेड़ बुन चल रही है, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि नुक्कड़ वाला कैसा सामान रखता है, एकदम थर्ड ग्रेड। उससे सूजी लेकर प्रसाद बना दिया ना, तो हमारी तो नाक कट जाएगी। याद रहे सोना बहू, हम मोहल्ले वालों से जिंदगी भर सुनना नहीं चाहते कि ऐसा घटिया सा प्रसाद बना दिया। पर मम्मी जी, यहाँ आसपास तो कहीं भी अच्छी सूजी नहीं मिलेगी, उसके लिए तो मेन मार्केट जाना पड़ेगा। एक काम करो, कन्हैया को तुरंत फोन करो, बोलो कि लौटते वक्त सूजी लेता है। वो तो बहुत सारा सामान लेने गए हैं, उन्हें लौटने में वैसे ही देर हो जाएगी। अगर हम उन्हें सूजी लाने के लिए कहेंगे तो वो लाएंगे कब और हम प्रसाद बनाएंगे कब? सोना बहू, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मम्मी जी, हम चले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम सोना बहू, तुम्हें पता है मेन मार्केट आने जाने में कितना समय लगेगा? तो मम्मी जी, अब करें क्या? रिक्शा, आधे घंटे में तो दुकान भी बंद हो जाएगी, कैसे पहुंचेंगे? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रिक्शा, डिंपल जी, क्या? आधे घंटे के लिए हमें तुम्हारी स्कूटी दो ना। हाँ चाची, ले लो ना। थैंक यू। चाची, आपको जाना कहाँ है? बस किराने की दुकान से सूजी लेकर आते हैं। हाँ, थैंक्स। सोना बहू ने हिम्मत तो दिखा दी है, बस अब सब काम सही ढंग से हो जाए और माता का जागरण सफल हो जाए। जय माता दी। इसे रखेंगे कहाँ? कितने बेवकूफ है, पैरों के पास रख देते हैं। अरे मैम साहब, ध्यान से जाइएगा, वो पॉलिथीन थोड़ा कमजोर है, कभी भी फट सकता है। थैंक यू, हम ध्यान रखेंगे। ब्रदर इन लॉ, जल्दी फोन करके आ जाओ। अरे सोना, इतना
वजन अकेले उठाने की क्या जरूरत है, लाओ हमें दो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम कर लेंगे। वो रास्ते में सूजी का पैकेट नीचे से फट गया, अगर हम हाथ निकालेंगे तो सारी सूजी नीचे गिर जाएगी। हम अरे ये क्या, ये तुम्हारे पैर से खून कैसे निकल रहा है? तुम यही रुको, हम दवाई लेकर आते हैं। मम्मी सोना बहू, हमने तुमसे कहा था ना वहां रुकने के लिए कि हम दवा ला रहे, तुम रुकी क्यों नहीं? मम्मी जी वो सूजी का पैकेट पर बहुत बोलती हूँ, चलो हमारे साथ यहाँ आके बैठ जाओ, लाओ पैर दो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप हर बार तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? जाओ इधर आओ, पैर ऊपर रखो और हिलाना मत पैर। हम कह रहे हैं पैर नहीं हिलाना, फिर भी हिलाया जा रही हो। आज का सारा काम तुम्हें करना है, ऐसी हालत में कैसे करोगी? मम्मी जी इतनी छोटी सी तो पूजा के काम में हम तो हाथ बटा नहीं सकते, और आज का काम ही नहीं आगे भी तो घर का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। अगर पैर खराब हो गया, पक गया, तो फिर कैसे चलेगा? हाँ चुप बैठी रहो। अब हो गया ठीक। थैंक यू। मम्मी जी, सोना जी आइए जल्दी। चलो, कितनी सुंदर प्रतिमा है। पांव में कैसे चोट लगी आपके? अरे कुछ नहीं, जल्दबाजी में थोड़ी सी चोट लग गई, अब ठीक हो जाएगी। अरे सोना बहू, माता की प्रतिमा को सही जगह पर रख दो। जी मम्मी जी। ये चल आओ बेटा। वो बाकी का सामान, वो लाइटें और वो क्या नाम है माइक वगैरह, वो सब बाहर पड़े हैं बरामदे पे, वो हम दोनों लगा देंगे। तो बेटे यहाँ का काम संभाल लो। जी चाचा जी, वैसे भी हलवा बनाने में बहुत वक्त लगेगा। अरे संभल के। और कन्हैया बेटा, चटाइयां लगानी है, माइक लगाना है, तू आजा मेरे साथ, आजा मदद कर। करती हो यार सोना जी, बताओ। अरे छोड़ो ये सब काम, हम पहले बताओ पैर में कैसे चोट लगी। अरे हमने आपसे कहा ना जरा सी चोट लगी है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे चोट जरा सी है कि ज्यादा सी है, सब बोल के हमें भलाइए मत, ये बताइए कि चोट कैसे लगी, बस छोड़िए सब। अरे बाप रे। अरे बंद कीजिए इसको, रखिए, कैसे लगी चोट बताइए। प्रसाद के लिए सूजी लेने गए थे, अब लौटते समय सूजी का एक पैकेट फट गया और उसे संभालते संभालते दरवाजे की सीढ़ी से पांव टकरा गया और जरा सी चोट आ गई। अब हम काम करें। अरे तो कम से कम हम बाहर गए थे, हमें बताइए होता कि बाजार से सूजी लेकर आनी, हम लेकर आ जाते। अरे आप भी तो काम करने गए थे, आपको अगर कहते तो और भी लेट हो जाते, इसलिए हम खुद जाकर ले। अच्छा बाबा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब गुस्सा मत होइए ना। अरे छोटी सी चोट है, झट से ठीक हो जाएगी। सोना सोना जी, बात छोटी है बड़ी चोट की नहीं है। देखिए चोट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें दर्द तो उतना ही होता है ना। अच्छा पापा, कान पकड़ कर कहते हैं,
आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको जरा से भी तकलीफ हो। सॉरी ना, हंस दीजिए। देखा आपने, हम चारों ने मिलकर कम समय में ही लगभग सारा काम खत्म कर दी। बस अब बाकी का काम भी बिना परेशानी के हो जाए।